हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? और आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट करूँगी एक नई लोकेशन के साथ और वो लोकेशन है मेरा टेरिस गार्डन, जो मैंने अपने पौधे लगाए हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने वो मेरे लिए स्पेशली ख़रीदे हैं, तो अब देखें वो थोड़े बड़े हो चुके हैं और उसमें बेहद खूबसूरत से फूल आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी। देखें, ये वो नए प्लांट्स हैं जो कि उन्होंने मेरे लिए ख़रीदे थे। और अब देखिए, इसके अंदर जो है वो बेहद खूबसूरत से फूल आने लगे। ये गेंदा है और बहुत ही प्यारा गेंदा है। और इसके पत्ते देखें, अभी मैंने इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करा है इसकी मिट्टी को, तो इसको भी थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलनी चाहिए। देखें देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह पत्ते हैं, और देख के लगता है कि अल्लाह की कुदरत क्या है, ऊपर वाले की क्या कुदरत है, उसने कैसे इतने खूबसूरत फूल पौधे बनाए हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है। देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई, देखें ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुल के, जैसे ना हंस रहा हो, खिलखिला रहा हो। देखें, और ये देखें, ये एलोवेरा का है, और आपको तो पता है एलोवेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी और हेल्थ में भी और आयुर्वेद में भी कितनी अहमियत रखता है। तो ये प्लांट है जो मैंने लगाया हुआ था, और अब इसके अंदर देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी इसकी लीव्स आ चुकी हैं। ये देखें कितनी बड़ी इसमें लीव्स आ चुकी हैंगी, और ये जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप चाहें तो आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, और सर्दियों में ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, उससे खुश्की भी नहीं होगी। और ये देखें, ये सदाबहार के कुछ फूल हैं, ये पत्ते हैं, जो ये पत्ते हैं ये शुगर में भी बहुत यूज़ होते हैं। अगर आप इसे बॉईल करके पिएं सुबह इसके कुछ पत्ते, तो ये आपकी शुगर में भी बहुत फ़ायदा करेंगे। स्पेशली जो वाइट फूल होते हैं वो, इसमें अभी फूल इसमें आए थे लेकिन वो झड़ गए, लेकिन जैसे ही आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसे होते हैं। लेकिन मेरा ये जो एक मैंने नया गुलाब लगाया हुआ था फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको ठीक भी कर रही थी लेकिन बट क्या करूं, ये थोड़ा सा मुरझा रहा है। आप मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये थोड़ा ठीक हो जाए। और ये देखें, ये वो नन्हे नन्हे से सदाबहार फूल हैं जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए उस दिन ख़रीदे थे। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही इसमें फूल आने शुरू होंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और देखिए मैंने अपना वादा पूरा करा देखें बट फूलों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, रिश्तों की तरह ज़रा सी आपकी लापरवाही जो है वो इन्हें नुकसान पहुँचा सकती है। और देखें, ये कैक्टस है, और इस कैक्टस की ये खासियत है कि इसमें एक साल के बाद एक फूल आता है, और वो फूल बेहद खूबसूरत फूल होता है, और सिर्फ रात में ही खिलता है, रात के लिए ही वो होता है। और जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, वो मुरझा जाता है। तो मैं आपको वो फूल ज़रूर दिखाऊंगी, उसके पिक्स भी मैं डालूंगी, आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत फूल होता है। और ये देखें, ये छोटा सा देखें गेंदे का फूल कितना क्यूट लग रहा है। देखें, ऐसा लग रहा है जैसे स्माइली मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट मैं आपको ऐसे भेज नहीं सकती बट मैं आपको ऐसे दिखा तो सकती हूँ ना जैसे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है इन सबको देखकर, तो आपके भी आनी चाहिए। देखें मेरे छोटे छोटे से फूल जो बेहद खूबसूरत हैं और मुझे बहुत ही पसंद है। देखें, ये देखें, ये लाल है, किनारे का निकल रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत मतलब स्टार्टिंग से ही इसमें फूल आने लगा है, तो ये थोड़ा और जब ग्रो अप होगा तो देखें कितना और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये देखें, ये देखें कितना प्यारा कनेर है। ये देखें, अक्सर कनेर के जो फूल मैंने देखे हैं वो जो हैं वो थोड़े और बड़े होते हैं, उनका फ्लावर, उनकी पत्तियां खिली होती हैं, पर ये एक कंजस्टेड वे में है। अगर इसके बारे में आप और कुछ जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, ये देखिए, ये वाला
जो गेंदे का फूल था ये मुझे बहुत पसंद था, और इसकी जो पिटल्स हैं वो देखें, पत्तियाँ, अक्सर ऐसी पत्तियाँ हम ड्राइंग में बनाते हैं ना जब हमारे कोर्स में एग्ज़ाम में आती हैं, तो इसी तरीके की ये, इसी तरीके की जो लीव्स होती हैं वो हमें बनानी बहुत ईजी लगती हैं ये देखें, ये मेरा पौधा है, ये और एक फूल है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह पूरा घिर कर आया है, पूरा पूरे गमले पर खिले खिले फूल हैं। ऐसे ही तो हमारा और आपका एक फैमिली का रिलेशन है, और मैं हमेशा चाहूँगी, मैं हमेशा दुआ करूँगी कि हम सभी एक साथ एकजुट ऐसे ही रहें और हमेशा खिलखिलाते हों, मुस्कुराते रहें। देखें ये, देखें इसका कलर, देखें कितना प्यारा है, देखिए ऐसा लगता है कि नेचर ने क्या खूबसूरती के साथ इन्हें बनाया है, कितनी खूबसूरती के साथ इसमें कलर करा है, देखें और कितने प्यारे शेड्स दिए हैं, देखें निफासत, देखें फूलों की बनावट की, देखें क्या निफासत है, क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और खिल के बहुत अच्छे हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत फूल है, बिल्कुल इसे गोभी का फूल भी कहते हैं, इसका नाम गोभी का फूल भी है। तो ये देखें ये पूरा पॉट है, गमला पूरा है, और इस पूरे गमले को इसने कवर कर रखा है, देखें कितना प्यारा लग रहा है, लग रहा है ना देखें ये बेचारा छोटा सा अकेला सा खूबसूरत सा है, बट देखें प्यारे प्यारे पत्तों से घिरा हुआ शर्मीला सा देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखें, लग रहा है ना, देखें कितनी खूबसूरत शेड्स हैं, देखें ये पिंक है, ये देखें पिंक वाइट डार्क रेड इसमें कुछ है, इसमें देखें कितना खूबसूरत शेड है, देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही निफासत है, ऊपर वाले की कुदरत है कि उसने इतने खूबसूरत फूलों को बनाया, उसमें इतने खूबसूरत रंग दिए, और उनकी खूबसूरती और इनकी खुशबू जो है वो दूसरों को भी कितना मुतासिर करती है, कितना असर डालती है, इन्फ्लुएंस करती है, उन्हें देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, जी चाहता है कि बस देखते ही रहो इन फूलों को और इनके साथ वक्त गुजारना, इन्हें निहारना मुझे बहुत पसंद आता है। और आप भी अपनी टेरिस्ट पे या अपने घर में या घर के आगे आप इस तरीके के जो पौधे हैं वो लगाइए, उसका उसकी वजह क्या है, एक तो घर की खूबसूरती लगती है, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी अगर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे घर में पेड़ पौधे होना ज़रूरी है, एक तो ऑक्सीजन मिलती है, दूसरा जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी खुशनुमा बनता है, वो भी अच्छा लगता है। देखें और सिर्फ यही नहीं, आसपास भी देखें जो प्लांट्स हैं सब हैं तो अच्छा लगता है, देखें अच्छा लग रहा है ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, देखें बस जी चाहता है कि बैठो और देखते रहो इन सबको, देखें कितनी खूबसूरत, जैसे मुस्कुराते हुए हमारा वेलकम कर रहे हूँ, देखें। तो अपने घर में आप ज़रूर ऐसे पौधे लगाइए और उनका ख्याल रखिए, देखें क्योंकि ये सिर्फ पौधे नहीं, ये ऐसी मेडिसिंस भी हैं जो आपके चेहरे पे बगैर किसी एफर्ट के आपके जो है एक प्यारी सी स्माइल ला देती है, देखें। और मुझे यहाँ पर कुछ और प्लांट्स हैं जो लगाने हैं, और मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा है कि हम नर्सरी चलेंगे, और नर्सरी चल के अब आपके लिए एक और अच्छा सा एक पैकेज इसका हम तैयार करवाएंगे, तो देखें अब हम कब जाते हैं और हम कब अपने नए फैमिली मेंबर्स को लेकर आते हैं आपसे मैं ज़रूर मिलवाऊंगी। देखिए मैंने अपना वादा पूरा करा, और जैसे ही इसमें माशाल्लाह इतने खूबसूरत फूल आए मैंने आप सबको इनसे मिलवाया,
और मैं हमेशा यही दुआ करूँगी कि आप सब भी इनकी तरह मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, सेहतमंद रहें और मुझे अपना ढेर सारा प्यार और दुआएं देते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।